उनको जो है अपने मेहनत का फल मिला है। नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। आरजेडी के नवनियुक्त एमएलसी कारी सुहैब लगातार दौरे पर हैं। पिछले दिनों वो मुजफ्फरपुर थे, समस्तीपुर के बाद वो फिर राजधानी पटना लौटे हैं और उनका जो मुलाकात का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन ये जो मुलाकात है इस वक्त वो इफ्तार पार्टी जैसी, यानी मुसलमानों की जो तंजीम है, जो संगठन है, वहाँ सुबह से वो दौरा कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परसों रात में इमारत शरिया के जो अमीर शरीयत है उनका एक डेलीगेशन मुलाकात किया था, लेकिन आज कारी सुहैब को शायद लालू यादव की तरफ से भेजा गया है। कारी साहब, क्या मामला है, क्यों आ रहे हैं आप लोग इतना इमारत शरिया? नहीं नहीं, इमारत से हमारा तो पर्सनली हमारे वालिद से या हमारे नाना यहाँ बैतुल मार के इंचार्ज रह चुके हैं, हमारे पुराना हमारे काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह मामू थे हमारे, तो हमारा तो एक पुराना रिश्ता रहा है और इमारत शरिया से एक उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम दुआ लेने गए और हमेशा हम आते रहते हैं, तो चूँकि युवा राजद के नौजवानों को, पूरे बिहार के नौजवानों को जब विधान परिषद भेजा गया तो मैं सभी लोगों की तरफ से, जैसे वहाँ नॉमिनेशन किया इसी तरह सभी लोगों की तरफ से यहाँ आके इमारत शरिया आए, मिल्ली कौंसिल आए, खानका मुजीबिया भी जाना है, वहाँ गए थे तो हजरत उठ गए थे, लेट हो गया था आने में, तो सभी जगह इदारा शरिया वगैरह मीतन सब जगह जाना है। तो दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआ जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और रहा सवाल लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से, एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, इमारत से या इदारा शरिया से या खानका मुजीबिया से या मीतन घाट से या तमाम खानकाहों से, तमाम जगहों से, तमाम इदारों से लालू जी का एक अलग लगाव रहा है, उनका क्या कहते हैं उसको, एक जज्बाती रिश्ता रहा है और हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है लोगों का। इसलिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देश का मुसलमान या बिहार का मुसलमान ये जानता है कि लालू प्रसाद यादव जी का अकलियतों से क्या रिश्ता रहा है। उन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन कभी भाजपा से सौदा नहीं किया। तेजस्वी यादव जी को देख ली, नौजवान हैं जो आज चाह लें तो आज जो है मतलब उनको एक घंटे में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन नहीं, लात मार दिया हुकूमत को, संघर्ष के रास्ते पर उतर आए। हम जैसे नौजवान को, एक गरीब इंसान को उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया, आप सोचिए। तो यही सवाल यही पैदा होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रमजान में भी इफ्तार पार्टी में गए और वो खानका वगैरह जाते रहे और हाल के दिनों में ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है दौरा, तो ऐसे में लगता है कि लालू यादव ने आपको लाया मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करने के लिए और फिर आप इस तरह के जो संगठन है, जो मुसलमानों के इदारे हैं, वहां आप घूम रहे हैं। जो लोग भी जाते आते हैं कहीं, वो अच्छी बात है, जाना आना चाहिए, लेकिन सब लोग हमारे लालू जी का नकल करके जाते हैं, उनका देखा देखी। बिहार में ऐसे कई काम हैं जो लालू जी ने किया है और उसको कुछ लोग नकल करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। बाकी लोगों को ये, बाकी लोगों में और लालू जी में फ़र्क ये है कि लालू जी का रिश्ता ऐसा है और वो जाना आना ही नहीं, बल्कि आपके हमारे इशूज़ पर वो अड़ते हैं, चाहे CAA का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, चाहे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, नागरिकता का मामला हो, चाहे एक दो इश्यूज़ नहीं, वक्त वोट का मामला हो, तमाम इश्यूज़ पर लालू जी ने करके दिखाया है। लेकिन बाकी लोग तो बहुरूपिया हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए टोपी पहन के जाते आप मुख्यमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं किसी की तरफ, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी लोग बहुरूपिया हैं, सिर्फ टोपी पहन के जाते तो हैं लेकिन जाके इश्यूज़ पर ये एहसास करा देते हैं कि हम टोपी पहन के नहीं गए थे, टोपी पहनाने गए थे। तो आपने सुना युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहब वो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अल्पसंख्यकों से ऐसा रिश्ता है कि उनके इश्यू पर भी बात करते हैं, और उन्होंने इशारा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी कहा कि कुछ लोग टोपी पहन के जाते हैं और टोपी पहनाने का प्रयास करते हैं। आज युवा राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो मुसलमानों का संगठन है, इमारत शरिया, इदारा शरिया, खानका मुजीबिया, मिल्ली कौंसिल, इस तरह के जो संगठन है वहाँ जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ संदेश तेजस्वी या लालू यादव का है वो कारी सुहैब उन लोगों से जाकर के साझा कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले अमीर शरीयत जो है, इमारत शरिया सबसे बड़ा संगठन माना जाता है मुसलमानों का, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चोरी छुप के रात के अंधेरे में मुलाकात की थी और ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। सियासी तौर पे लोग, मुसलमानों का जो संगठन है, जहां इस तरह का प्रोग्राम होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आपने देखा कि वो लगातार इस तरह के प्रोग्राम में जाते रहे हैं। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।